अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में अब हम कर रहे हैं कि जी हमने एक ऐसा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जो कि डायनेमिक हो, लाइवली हो, उसमें कुछ हम डेटा ऐड कर सकें, निकाल सकें, इस तरह की चीज़ें कर सकें। तो हमने एक नई क्लास बनाते हैं, उस नई क्लास का नाम रखते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रो। लेट्स अस्यूम प्रो हो गया हमारा, ठीक है। हम इसको 2 सेशन में या कम से कम 2 सेशन में करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं होगा हमारे पास। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? हमारे पास एक स्कूल है जिसमें कोर्सेज होते हैं, जिसमें स्केड्यूल होता है, जिसमें स्टूडेंट होते हैं, जिसमें टीचर होता है। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि आपसे पूछे कि हाँ भाई क्या चाहिए, स्टूडेंट ऐड करने हैं, चलो जी स्टूडेंट ऐड कर देता हूँ। हाँ जी टीचर ऐड करने हैं, टीचर ऐड कर देता हूँ। कोर्स ऐड कर रहे हैं, कोर्स ऐड कर देता हूँ। ये बताना है कि करंट कौन से कोर्सेज चल रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, स्टूडेंट कितने रजिस्टर्ड हैं वो बता देता हूँ, एंड सो ऑन। इस तरह के एक हमने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाना है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नज़र आ रही है, कोई मेन्यू होगा, ठीक है। तो हम मेन्यू ऐड करते हैं, ये हमने मेन्यू की कमांड लिख ली जिसमें हम कर क्या रहे हैं कि हम उसको हमसे कह रहे हैं कि भाई 1 एंटर करोगे तो हम, इसका मतलब है कि यू वांट टू ऐड अ स्टूडेंट, 2 एंटर करोगे तो टू ऐड अ कोर्स, और 3 ऐड करोगे तो ऐड अ टीचर, ठीक है। और 0 करोगे तो इसका मतलब है कि यू वांट टू एग्जिट, ठीक है। तो ये वार्निंग देता रहेगा अगर मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है। मैं इस पे आ जाता हूँ। अच्छा, हम यहाँ करते हैं जी कि वाइल मेन्यू, मेन्यू को कॉल करेगा, ये जो मेन्यू रिटर्न करेगा अगर तो वो इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 रिटर्न कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगर 0 नहीं है तो हम यहाँ पर इफ, सॉरी मेन्यू हम इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि हमें मेन्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम ये कर सकते हैं एंट कमांड इज इक्वल टू मेन्यू, ठीक है। इफ, बल्कि इसको हम डू वाइल कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा क्योंकि पहली दफ़ा अंदर चलता ही है ना, बल्कि नहीं, सही है सही सही है। वाइल कमांड इज नॉट इक्वल टू 0 तो अंदर चलता रहे, और आखिर में जो भी होगा, आखिर में ये दोबारा मेन्यू ऑफर कर दे, ठीक है। ये आखिर है, मैं इसके ऊपर अब इसके इस वाले पोर्शन में हम लिखेंगे, ठीक है। देखें हमने क्या किया है, हमने मेन्यू किया। अब यूजर ने अगर तो 0 रिटर्न किया तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये फॉल्स है तो ये बाहर आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर उसने 0 नहीं एंटर किया तो हमें वो प्रोसेस करना है। अगर 1 उसने किया है तो इसका मतलब ऐड अ स्टूडेंट, ठीक है। इफ कमांड इज इक्वल टू 1 तो ऐड अ स्टूडेंट, ठीक है। एल्स इफ कमांड इज इक्वल टू 2 तो ऐड अ कोर्स, एल्स इफ कमांड इज इक्वल टू 3 तो ऐड अ टीचर, एल्स अगर न 1 है न 2 है न 3 है तो इसका मतलब है कि जी, इसका मतलब उसने 4, 5 या 6 या 7 या समथिंग कुछ और ऐड कर दिया है, तो आप कुछ ना करें, उसको खुद ही वो मेन्यू में दोबारा चला जाएगा। अच्छा, अब ये फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। हम इनमें से एक फंक्शन अभी जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर एक हम बाकी हम बाद में करेंगे। अच्छा, ऐड अ स्टूडेंट, ऐड अ स्टूडेंट हमने कहाँ करना है?
इसका मतलब है कि हमारे पास स्कूल होना चाहिए। हमने अभी तक मेन्यू ऑफर कर दिया, हमने स्कूल तो अपने प्रोग्राम में खोला ही नहीं, ठीक है, तो हम इसमें स्कूल डालते हैं। क्योंकि स्कूल जो था हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। स्कूल स्कूल इज इक्वल टू न्यू स्कूल। जैसे ही हमारा न्यू स्कूल होगा तो क्या होगा, हम स्कूल की क्लास में जाते हैं, बेसिकली उसके अंदर स्टैटिक, प्रैक्टिकली हमें स्कूल के अंदर न्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टोटल क्लास जो है वो स्टैटिक है, सारे उसके फंक्शंस जो है वो स्टैटिक है, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है वैसे स्कूल डिफाइन करने की, क्योंकि स्कूल ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि इसका स्टैटिक है। हमने ऐड अ स्टूडेंट बनाना है यहाँ पर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एड अ स्टूडेंट। हमें कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन जो है हमने उससे लेनी है, यूजर से खुद लेनी है, ठीक है। एंटर बैक स्लैश एन कर देते हैं ताकि एंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्कैनर डॉट रीड, स्कैनर डॉट नेक्स्ट, ये स्टूडेंट का नाम ले लिया हमने, ठीक है। बल्कि मैं इसको नाम बना देता हूँ, नेम कर देता हूँ, स्ट्रिंग नेम। अच्छा, स्टूडेंट के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, नाम और रोल नंबर, क्योंकि कोर्सेज तो जब वो ऐड करेगा तब पता लगेगा, अभी तो हमें नहीं पता। स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर, एंटर स्टूडेंट्स रोल नंबर, ठीक है। सही है, ये हो गया। स्कूल डॉट, क्योंकि स्कूल का वो है एड एडमिट स्टूडेंट, ये फंक्शन बना हुआ है हमारा। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया, हम न्यू स्टूडेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट का नेम हमारे पास मौजूद है और नंबर भी मौजूद है। हमने यहाँ क्या किया, देखें दो तरीके होते हैं हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के। एक तरीका होता है कि जी हम पहले स्टूडेंट का वेरिएबल डिफाइन करें और उसको ऐसे इनिशलाइज कर दें, ठीक है। ये तरीका हमारे पास हमेशा से मौजूद था, हम यहाँ पर फिर स्टूडेंट लिख देते, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम अगर इस तरह करते हैं तो ये भी वही चीज़ है, बल्कि रिलेटिवली थोड़ा सा एफिशिएंट इस सेंस में है। इसको हम कहते हैं नेमलेस ऑब्जेक्ट। ये हमने न्यू ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ठीक है, मेमोरी में एक जगह पर उसने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, वहाँ नेम और नंबर उसको असाइन कर दिया व्हाटएवर। और हमने यहाँ, क्योंकि हमें इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल नहीं चाहिए था, तो हमने उसको एडमिट स्टूडेंट को पास कर दिया, तो उसका मतलब है कि इस लाइन के बाद स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट आ गया, ठीक है, जब भी ये वाली लाइन चलेगी। तो ये वाली चीज़ हमारी इम्प्लीमेंट हो गई, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी ये वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो है वो एडमिट हो गया, ठीक है।
अच्छा, अगर स्कूल में स्टूडेंट एडमिट हो गया है तो स्कूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन नहीं मौजूद जो कि हमें चाहिए, वो ये है कि गेट स्टूडेंट। अगर एडमिट हो गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम लें कैसे? ठीक है, तो हम इसको एक हम फंक्शन क्विकली इसमें ऐड कर देते हैं बिफोर फिनिशिंग फॉर टुडे, इज दैट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि स्कूल के अंदर देखें, ये वाली साइड मैंने आज ओपन की थी, आउटलाइन व्यू होता है एक्लिप्स के अंदर। तो यहाँ देखें, ये हमें सारे इस तरफ जो है ना, ये डेटा फील्ड नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो है ये डेटा फील्ड है और ये मेथड है इसके, ठीक है। इस मेथड में एडमिट स्टूडेंट है, ऐड कोर्स है, ऐड टीचर है, इनरोल कोर्स है, लेकिन इसमें गेट या प्रिंट स्टूडेंट नहीं है कि भाई स्कूल स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं अभी, इस तरह का कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो हमें एक इस तरह का फंक्शन एक ऐड इसमें कर देना चाहिए ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्टूडेंट लिस्ट, क्या करेगा ये? फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, हर स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं बल्कि सॉरी, जितने स्टूडेंट हैं नहीं, जितने स्टूडेंट काउंट है हमारे पास, ठीक है, जितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं उतने एक दफ़ा क्या करेगा, सिंपल स्टूडेंट्स की लिस्ट में से आईथ आइटम को डॉट गेट स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी स्टूडेंट हैं हर एक के लिए लूप चलेगा और उनकी स्टूडेंट इन्फो प्रिंट हो जाएगी। हम प्रो स्कूल मैनेजमेंट प्रो में चलते हैं, आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं है, इसको मैं रन करता हूँ। मेन्यू आ गया जी हमारे पास, एंटर योर कमांड टू ऐड अ स्टूडेंट एंटर 1, टू ऐड अ कोर्स एंटर 2, टू ऐड अ टीचर एंटर 3, टू एग्जिट एंटर 0, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, मैं 1 ऐड अ स्टूडेंट करना है मैंने, नो सच एलिमेंट अ स्टूडेंट नेम, कोई बात नहीं, ऐड अ स्टूडेंट के इस लाइन के ऊपर, ओ स्कैनर, अच्छा ये हमारे हमने गलत पढ़ लिया, नेक्स्ट लाइन होगा मेरे ख्याल में ये, हाँ नेक्स्ट लाइन था, ठीक है। उसी तरह मैं 1 ऐड करता हूँ, अभी भी पसंद नहीं आया इसको, 23 स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन भी नहीं है, यहाँ पर मैं वापस करता हूँ, ये जो क्लोज लिखा था हमने इन दोनों लाइनों के ऊपर, ये अपेरेंटली हम नहीं कर सकते, मुझे खुद नहीं अंदाजा था कमांड लाइन के ऊपर काम करना अब शायद रेयर ही होता है, बल्कि होता ही नहीं है। तो ये मैंने अब ये ख़त्म कर दिया, तो इसके साथ ही जो है वो अब ये सही हो जाएगा। अच्छा, हमने नाम ले लिया, अच्छा हम इसको दोबारा चला के देखते हैं, एंटर स्टूडेंट तो 1 करना है, ठीक है जी, एंटर स्टूडेंट नेम, फर्स्ट किया S1 स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर क्या है जी, 101 है, ठीक है, और इसी तरह ये चलता रहेगा, अगर हम 0 करेंगे तो ये एग्जिट कर जाएगा, तो एग्जिट करके ख़त्म हो गया। हमने क्या करना था इसके बाद, हमने एक मेन्यू आइटम और बढ़ाना था, 4
और उसका करना था कि टू प्रिंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंटर 4, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऐड कर देंगे फिर हम स्कूल डॉट प्रिंट स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। अब हम देखें, हमने स्टूडेंट के, अब हम जो स्टूडेंट ऐड करेंगे वो हमारा प्रिंट भी हम कर सकेंगे। वन स्टूडेंट का नाम जी S1, स्टूडेंट का रोल नंबर 101। हम दोबारा ऐड कर देते हैं एक और स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम अब है S2, स्टूडेंट का रोल नंबर है 102। अब हम फोर करते हैं कि जी स्टूडेंट की लिस्ट, हमने दो स्टूडेंट डाले हैं, प्रिंट कर दो। तो ये देखें उसने प्रिंट कर दिया, अगरचे वो मिक्स हुआ हुआ है, उसके ऊपर लाइनें नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसने दोनों स्टूडेंट्स के, अभी देखो उनके कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो सिर्फ उनका नाम और रोल नंबर आया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या कर लिया है कि हमने उसको दो मेथड हमारे जो हैं, एक हमारा मेन्यू है ऐड स्टूडेंट का और एक हमारा प्रिंट स्टूडेंट का, वो हमने कर लिया है। अगले सेशन में हम जो है कोर्स ऐड करने का और टीचर ऐड करने का कर लेंगे, और फिर कोई फंक्शनैलिटी कर लेंगे। तो प्रैक्टिकली ये हमारा बनेगा, जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम बनेगा जो कि हमारे जो हमने पहले डेटा स्ट्रक्चर बनाया था, यानी कि हमने वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस बनाई थी जिसको हम इस, यानी कि जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं ना, जिसमें हम फंक्शनैलिटी डेटा और बिहेवियर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, और हम उसको यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इससे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो फिर हमारा यानी कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किसी और सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम या किसी और मिसाल के तौर पर स्कूल में कुछ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल के बच्चों को लेकर जाने जाने के लिए अगर कोई सिस्टम बना हुआ तो उनसे कैसे अट्रैक्ट करता। तो इस तरह हम लेवल बाय लेवल इसको कॉम्प्लिकेट करके यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें अचीव करते हैं। लेकिन अभी हमारा जो लेवल है कि एक स्कूल के अंदर, उसके अंदर जो टीचर स्टूडेंट और कोर्स का जो आपस में रिलेशनशिप है, हम सिर्फ उसको मिमिक करने की कोशिश करें। तो देखें उसमें हमने दो लेवल बनाए हैं, एक दो लेवल बनाए हैं या दो एंगल है हमारा उसको देखने का। एक हमारा है कि उसके जो डेटा है, ठीक है, और उसका जो बिहेवियर है मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स का, जिनको हमने क्लासेस से डिनोट किया है, ठीक है, वो हम उसको हमने इम्प्लीमेंट किया अपने कोर्स के अंदर, क्लास डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। और फिर अब हम एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रो बना रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी रिलेशन, उनके आपस में यानी कि उसका रन टाइम मैनेजमेंट को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम ज़ाहिर सी बात है एफिशिएंसी डाल सकते हैं, इसमें हम डाल सकते हैं कि स्टूडेंट के अटेंडेंस वगैरह के मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, जो व्हाटएवर जो भी हम डाल सकते हैं वो हम एक एक करके डालेंगे। मकसद बहरहाल इस सेशन का स्पेशली ये है कि आप लोगों को ऐसा ऐसा हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग के ऊपर जो आपके झिझक और आपके जो वो है क्या कहते हैं मुश्किल होती है आपको, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो। दो काम आपने करने हैं, एक तो ये कि इस मैं अभी कमिट कर दूंगा, आपको वो चीज़ मिल भी जाएगी। आपने इस कोड को देखना है, ठीक है, थोड़ा सा पिछले थोड़ा बहुत एक दो लाइनें ना इस कल में मैंने पिछले कोड में थोड़ा सा चेंज कर दिया था, लेकिन वो ऐसी मामूली सी लाइनें हैं कि जब आप उसको रिफ्रेश करेंगे आपको नज़र आएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि जी इसमें ये वाली लाइन ऐड हो गई है, ठीक है। लेकिन आप उसको देखेंगे तो ही आपको अंदाज़ा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्लास में आपके पास, जो बुक के अंदर जो आपके पास क्लासेस और इम्प्लीमेंटेशन और केस स्टडीज, शायद उसको उसका नाम दिया उन्होंने, वो हैं, उनको अपने कंप्यूटर के ऊपर हल किए बगैर, उनको कॉपी पेस्ट करके, उनको चलाए बगैर कोई चारा नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग सीख सकें, ठीक है। तो वो काम भी करें, तो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब मुझे फ़ौरन बल्कि अब निकलना है, आई एम लिटिल बिट टू लेट। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।